वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं जा रही हूँ यमी के साथ ट्रेलर लॉन्च पे। लव इन यूक्रेन मूवी आ रही है तो उसका ट्रेलर लॉन्च है और यमी वहाँ जा रहा था तो मुझे बोला तू भी चल, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ और देखते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेलर लॉन्च कैसे होते हैं। तो चलते हैं। तो भाई यमी निकल गया अपनी बाइक निकालने के लिए और हम जा रहे हैं जुहू सी प्रिंसेस होटल, वहाँ पर है ट्रेलर लॉन्च, तो चलते हैं। तो यार गाइस मैं आई पहले गोरेगांव से अंधेरी, क्योंकि यमी अंधेरी में रहता है। फिर अंधेरी से निकले हम जुहू की तरफ और हमें जाना था सी प्रिंसेस होटल, बट फयाज़ को लगा कि उसे सी प्रिंसेस होटल पता है और वो मुझे घुमा के दूसरे रास्ते से लेके गया और पहुँचा दिया नोवेटल होटल में। बट उसको बाद में याद आया कि हमें सी प्रिंसेस जाना है। मैं बोल रही थी उसको कि मुझे पता है रास्ता, बट वो होता है ना कि अंडर एस्टिमेट करते हैं लड़कियों को लड़के, वही वाला किस्सा हो गया और बाद में अपना जैसा मुंह लेके वो मेरे बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा है अभी। तो गाइज मेन रोड से यू टर्न लिया हमने और मेन रोड पे ही है सी प्रिंसेस होटल और ये है इस होटल का एंट्रेंस। तो चलते हैं अंदर, फटाफट बाइक लगाते हैं पार्किंग में और जल्दी चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 5:15 हो गए हैं मेरी, तो फटाफट चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि शायद हमें लेट हो गया है, तो हाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या हो रहा है। That 5 songs from our movie, they are labeled by Zee Music. Ahmed Sana, everybody, and Devanjali. The amazing Devanjali, could you please come on the stage? As you know, our film Love in UK is a romantic film with action, और इसमें 5 गाने हैं। ये पूरी की पूरी Bollywood musical है। इसमें romantic गाने हैं, fun गाने हैं, dance गाने हैं, action गाने हैं। Indian और एक Ukrainian, जो एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते हैं, वो रंग से भी अलग है, देश से भी अलग है और भाषा से भी अलग है। तो ये गाना है जुदा जुदा। दीपांजलि इसकी कुछ लाइनें आपको सुनाएंगी। तो गाइज आप सब देख ही रहे हैं कि कितने सारे लोग आए हुए हैं ट्रेलर लॉन्च में, बट एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है कि मूवी की हीरोइन नहीं है, बिकॉज वो यूक्रेन की है और आप सब जानते हैं कि अभी क्या हालात चल रहे हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाई है। तो उन्होंने ये बाइट वहीं से बना के भेजी है, आप सब सुन सकते हैं। The only difference I think is that I'm not that annoying in real life as the character. I miss the whole crew and I wish we could meet again, please, in Ukraine, or maybe I'll get a chance to go to a beautiful country. And for the people that are going to watch the movie for the first time, I'm pretty sure that you will enjoy this beautiful story. What's your mind? जैसे ही मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, वो जवाब आपको देना होगा. And here you go. On your mark, get set, go. Tell us the best thing about Ukraine. Girls. Pitaji, abhi bhi sun rahe hain. Okay. Vipin, aapka favorite dialogue, aapki movie se hai, debut film, Love in Ukraine. Go for it. Debut film, Love in Ukraine, favorite dialogue. मेरा फेवरेट डायलॉग एक है, एक्चुअली एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, लेकिन वो मूवी के आखिर में आपको सुनाई देगा और मैं सच में आपको अभी नहीं सुनाना चाहूंगा। Let us keep that as suspense. क्या हम थोड़ा सबर कर सकते हैं? तो यार फाइनली सब कुछ निपट गया है और यहाँ पर चल रही हैं पर्सनल बाइट्स और ट्रेलर लॉन्च में इतना कुछ होता नहीं है, बस ट्रेलर देखना होता है और ट्रेलर अच्छा था। और ये देखो इस लड़के को तो बस जहाँ आ जाए सिर्फ फोटोज चाहिए होते हैं, तो वही इसका फोटो सेशन चालू है, पता नहीं इतने गौर से क्या ही पड़ रहा है। तो ठीक है यार इसका फोटो सेशन करते हैं देन चलते हैं घर। तो यार फाइनली हम वहाँ से निकले और मुंबई का ट्रैफिक, ओ गॉड, वो तो अच्छा है कि मैं बाइक में ट्रैवल करती हूँ और शायद इसी वजह से मुझसे ओला वगैरह में ट्रैवल होता भी नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी मैं बाहर जाती हूँ या तो फयाज साथ में होता है
या अरब साथ में होता है और हम लोग साथ ही जाते हैं, तो बाइक से ट्रैवल करना इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है। और ओला में मुझे वोमिटिंग सा फील होता है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है। चलते हैं, घर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।